दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने आज प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता कर दिल्ली सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने आज तक कौन सा काम बढ़िया किया है जो आज तक कहते आए हैं कि उपराज्यपाल काम नहीं करने देते हैं, वो काम गिनवाएं। अरविंद केजरीवाल हमेशा ही झूठ बोलने का काम ही करते हैं। शराब घोटाला सबके सामने है और अब अधिकारियों को थप्पड़ मारने का काम किया है। केजरीवाल साहब ने सबसे बड़ा झूठ जो बोला, मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल साहब, आपके फरिश्तों ने जिंदगी में सपना भी नहीं देखा होगा तुम मुख्यमंत्री बनोगे। तब से मैं सार्वजनिक जीवन में समाज सेवा के रूप में काम राजनीतिक क्षेत्र में कर रहा हूं। विद्यार्थी परिषद से लेकर 1993 में पहला विधानसभा का चुनाव हुआ, मैं चैलेंज कर रहा हूं मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केजरीवाल साहब आप ये बताएं पिछले 8 साल में एक भी अधिकारी की फाइल आपने क्या एलजी साहब के पास भेजी? आप में दम है, आपके रफूगरों में दम है। संजय सिंह जी रफूगरी यात्रा तो बढ़िया कर रहे हैं, अब उन्हीं का नंबर है अंदर जाने का लिक्विड मामले को लेकर, तो लिकर मामले को लेकर। तो क्या बताएं कि कौन से अधिकारी की फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस आपने भेजी थी केजरीवाल साहब? मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से मिस्टर केजरीवाल साहब से, केजरीवाल साहब ये बताएं क्या आप तो पढ़े लिखे हैं? आप तो झूठ बोलते तो हैं कि मैं कमिश्नर रहा हूं, वरना जीवन में कमिश्नर कभी नहीं रही करता इसमें, एडिशनल कमिश्नर जरूर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए मैं कमिश्नर रहा, नेवर, कभी कमिश्नर नहीं रहे, झूठे हैं। आपको मालूम है आईएएस के ट्रांसफर जितने भी आईएएस के तबादले होते हैं वे सिविल सर्विस बोर्ड के माध्यम से होते हैं, केजरीवाल साहब जानते हैं, लेकिन गरीब गुरबा गांव में रहने वाला मजदूर